नाइन्थ में एकदम आपने इसका एकदम बेसिक पढ़ा था, क्यूबर्ड क्यूबर्ड का आपने वॉल्यूम निकालना सीखा था, आपने कर्व सरफेस एरिया निकालना सीखा था, आपने सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया निकालना सीखा था, और कुछ डायगोनल्स के फॉर्मूले भी। तो जो बुकलेट मैंने आपको भेजा था उसमें देखो मैंने आपको फॉर्मूलेज दिए थे, ये फॉर्मूलेज आपको एकदम याद होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। सरफेस एरिया वॉल्यूम में ये फॉर्मूलेज बहुत मैटर करते हैं। अगर आपके फॉर्मूले एकदम आपको दिमाग में याद है, आपको बार बार पेज पीछे पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर फॉर्मूले याद है, क्योंकि सरफेस एरिया कैसा है जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी, अदरवाइज आपको फॉर्मूले ड्राइव करने पड़ेंगे। तो हमारा पर्पस फॉर्मूले ड्राइव करने का नहीं। तो हम टोटली इस चैप्टर में ये कुछ शेप्स पढ़ेंगे, क्यूब क्यूबर्ड सिलेंडर हॉलो सिलेंडर कॉन स्पेयर हेमी स्पेयर और हॉलो स्पेयर एंड हॉलो हेमी स्पेयर। फर्स्ट हम ये नहीं पढ़ेंगे, वो टॉपिक अभी आपको कोर्स में नहीं आया, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज मैंने आपको बुकलेट पे भेजे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये आप एकदम याद करके रखो। जब मैंने बात किया था मैंने सबको याद भी कराया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। इसमें तीन तरह की तीन फॉर्मूलेज होते हैं, एक होता कर्व सरफेस एरिया, एक होता टोटल सरफेस एरिया, एक होता वॉल्यूम, और कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसमें डायगोनल है। कर्व सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, जब भी किसी सरफेस का बॉटम और टॉप, जैसे हम कोई सिलेंडर ले लेते हैं, सिलेंडर आपका पेन है, जैसे आपका पेन है, इस पेन में एक ऊपर टॉप है एक नीचे बॉटम है, अगर इन दोनों एरिया को आप छोड़ दोगे और जो आप साइड का जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, कर्व सरफेस। क्यूबर्ड और क्यूब में, क्यूबर्ड और क्यूब में इसको हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, वहां पर जो सरफेस है वो एकदम सॉलिड टाइप की, कर्विंग नहीं, वो स्ट्रेट है। तो क्यूब और क्यूबर्ड में इस कर्व सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, LSA, लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसमें कर्व सरफेस एरिया में टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया हम दोनों ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर या उस शेप के अंदर कितना कोई चीज आ सकता है, समझो उसमें हम पानी डालेंगे तो उसमें कितना लीटर पानी आएगा, उसमें कितना हवा है, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है दैट इज नोन एज वॉल्यूम। और सरफेस एरिया मतलब उसको बनाने के लिए कितना सामान लगेगा, कितना मटेरियल लग सकता है, कितना मेटल लग सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, मैंने अनलॉक कर दिया अभी, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे हम चलेंगे डायरेक्ट, और क्वेश्चंस को डायरेक्ट करने से पहले हमको एक यूनिट वर्जन्स पता होने बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। यूनिट का वर्जन क्यों, क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चंस में मीटर होगा, कभी सेंटीमीटर होगा, एमएम भी होगा, डेसीमीटर भी होगा, डेकामीटर भी होगा, ये मोस्टली चार पांच शेप्स आपको पढ़नी होती है, किलोमीटर हेक्टामीटर मोस्टली नहीं आता है, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को कन्वर्जन सिखाता हूँ, ये कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एरिया निकालोगे आप वॉल्यूम निकालोगे कई बार आपको बार बार पूछा जाता है, कई बार आपकी यूनिट्स अलग अलग होती हैं तो आपको कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है। तो इसमें जो मीटर होता है उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट यूनिट बनाया जाता है, जो मीटर है आपका उसको क्या माना जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट बनाया जाता है। जो मीटर है ये हम बेसिक यूनिट देखते हैं, ये हमारा क्या है, मीटर। इस मीटर के ऊपर और नीचे यूनिट्स हैं। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, एमएम जिसको मिलीमीटर कहते हैं, फिर आपने सीएम भी पढ़ा है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर और मीटर के बीच में एक यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं डेसीमीटर, और मीटर के ऊपर क्या है, डेकामीटर। एक दो क्वेश्चंस में डेका भी आता है, जो बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस हैं आडिशन में जो कुछ क्वेश्चंस हैं वहां पर कैसा, वहां पर डेका भी यूज होता है, ठीक है। पर मोस्ट लाइकली आपको जो मिलेगा, आपको मीटर एमएम मिलेगा, सेंटीमीटर मिलेगा, डेसीमीटर मिलेंगे और आपको मीटर्स मिलेंगे। तो हमको ये एक एक यूनिट को कन्वर्ट करना बहुत इजी है, ठीक है, ये सबको क्लियर है। अभी कन्वर्जन कैसे होता है, मैं तुम्हारे इजीनेस के लिए एक चार्ट आपको दिखा है अभी, ठीक है। आपको क्या मल्टीप्लाई करना है क्या नहीं करना है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे सिंपल, हम सेंटीमीटर को जब मिलीमीटर में चेंज करते हैं, आप इस पार्ट को देखो,
इसने क्या दिया है, सेंटीमीटर को जब मेरे को मिलीमीटर में चेंज करना है तो मुझे क्या करना है, केवल इंटू 10 करना है। ये तो सबको आ जाएगा। इम्पोर्टेंट क्या है, अगर मेरे को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर में चेंज करना है, ये सरफेस एरिया मैं पहले पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को इजी हो, ठीक है। अब उनको क्या करना है, कुछ जगह आपको सेंटीमीटर दिया होगा, आपको उसको किस में चेंज करना है, mm स्क्वायर में उसको चेंज करना है, ठीक है। अभी देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 mm, 10 मिलीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को, इसको देखो सिंपल ऐसे लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1, और जो सेंटीमीटर का स्क्वायर था वो क्या, स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको कैसे लिखा, 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल दिया है, 10 mm, तो 1 सेंटीमीटर की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 10 mm का स्क्वायर, कितना बन गया, 100 mm स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, आपको हर एक यूनिट कन्वर्ट करने ऐसी आनी जरूरी है। अभी वो कहे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर क्यूब में चेंज कर, है ना, सॉरी, 1 सेंटीमीटर क्यूब को हमको mm क्यूब में चेंज करना है। तो सेम वही करो, 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब, 1 सेंटीमीटर इसके इक्वल है 10 mm का क्यूब, तो क्या हो गया, 10 की पावर 3 mm क्यूब, क्लियर। तो ये कन्वर्जन है, आप किसी भी सेंटीमीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। अब इसका रिवर्स सीखेंगे कि mm स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे करते हैं। अभी जो मैंने किया वो आप किसी में अप्लाई कर सकते हो, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो, डेसीमीटर को mm में चेंज कर सकते हो, मीटर को मिलीमीटर में, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, आप कोई भी कन्वर्जन आपको आना चाहिए, इसमें कोई डाउट कोई शक, ये सबको आना बहुत जरूरी है। क्लियर है सबको? एकदम बेसिक से चलेंगे ताकि हमको समझ में बहुत इजी रहे। अब हम रिवर्स कन्वर्जन सीखें, अब हम mm को, अब हम mm को मीटर में चेंज करते हैं, थोड़ा बड़ा वैल्यू लो, 1 mm स्क्वायर, सिंपल तो सबको आता है, अब हम बड़ा करें, इसको मेरे को चेंज करना है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। mm को मेरे को किस में चेंज करना है, मीटर स्क्वायर में। अब हम ये दूसरे वाला पार्ट देखें, अभी देखो mm उस किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है, तो कितने से डिवाइड किया उसने, 10 10 और फिर 10, कितने बार हो गया, 3 टाइम्स हो गया। इसका मतलब हमको मालूम है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना हो गया, 1000 mm। तो अगर मैं इसको और सिंपल फॉर्म में लिखूं कि 1/1000 मीटर इक्वल टू 1 mm, ये हमको पता होना बहुत जरूरी है। तो आपको ये टेबल से याद करना है, तो 1 मीटर इक्वल टू क्या है, 1000 मिलीमीटर, तो मैं 1000 का क्या किया, मैंने इसको नीचे ले लिया, तो 1/1000 हो गया, मीटर का मीटर रहा इक्वल टू 1 मिलीमीटर। अब इसको हम यहाँ पुट करें यहाँ पर, तो क्या बन गया, 1/1000 मीटर का स्क्वायर, तो क्या बन गया, 1/10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट कोई शक किसी बच्चे, ये सब कन्वर्जन आपको आने जरूरी है।
आप किसी को किसी में भी कन्वर्ट आप कर रहे हो, डेका हो, मिलीमीटर हो, डेसीमीटर हो, ये चार्ट अगर आपके दिमाग में याद हो कि मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद मीटर, मीटर के बाद डेका मीटर, उसके बाद हेक्टा मीटर, उसके बाद किलोमीटर, ये आपके दिमाग में अगर ये फ्लो याद है तो आप आराम से कर सकते हो। जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, डिवाइड होता है। और जब बिगर यूनिट को हम स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। बिगर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट किया जाएगा, मल्टीप्लाई। देखो चार्ट में क्लियर लिखा है, ये फोटो एकदम दिमाग में आपके बैठे होने चाहिए। सबको क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए आप लोगों ने 9th क्लास में ये कई सारी शेप्स देखी थी, ठीक है। अभी 9th क्लास में एक बेसिक क्वेश्चंस थे, आपको क्यूबॉइड का सरफेस एरिया था, टोटल सरफेस एरिया था, वॉल्यूम था, सब था, आपने सब निकाला। 10th में कैसा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स से। अब इसमें हम एक सॉलिड की बात नहीं करेंगे, इसमें हमेशा दो सॉलिड्स की बात होगी। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, देखो ये शेप कौन सा है आपका, इस शेप ए को क्या कहते हैं, बताओ बताओ, व्हाट इज शेप फर्स्ट, बताओ जल्दी सब लोग, व्हाट इज शेप वन, सबका रिप्लाई आना चाहिए फटाफट। क्यूबॉइड, गुड। सेकंड, व्हाट इज सेकंड शेप, गुड। थर्ड शेप, एंड फोर्थ वन, गुड। चलो अब सिंपल क्वेश्चन पूछते, और सिंपल, जो क्यूबॉइड होता है ये किसका 3D वर्जन है, क्यूबॉइड किसका 3D वर्जन है, गुड। क्यूबॉइड इज अ 3D वर्जन ऑफ रेक्टेंगल, गुड। सिलेंडर किसका 3D वर्जन है, सिलेंडर किसका 3D वर्जन है, यस ये एक सर्कल का 3D वर्जन। चलिए तो आपकी नॉलेज के लिए क्वेश्चन, अभी क्वेश्चंस कैसे हैं, अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको कोण भी मिलेगा एक क्वेश्चन में, आपको ऐसा हेमिस्फीयर मिलेगा। अब इन्होंने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया, कंबाइन के कैसा बन गया, इस तरह का शेप बन गया। इस शेप में देखो दोनों शेप्स हैं, आपको कोण भी है, आपको हेमिस्फीयर भी। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के कि हमको सरफेस एरिया भी निकालने हैं और हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आप बताओ इस वाले फिगर में कौन कौन सी दो शेप्स हैं, ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाता है, याद रखना। सरफेस एरिया में एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि आपको एक पर्टिकुलर शेप दे देंगे और आपसे पूछे बताओ इसमें कौन कौन सी शेप्स हैं, बताइए। ये जो मैंने राउंड अप किया है रेड में, इसमें कौन कौन सी शेप है, गुड 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 गुड। जो क्यूबोर्ड लिख रहे हैं वो लोग गलत हैं, जो लोग क्यूबोर्ड लिख रहे हैं उसको वो लोग गलत हैं, क्योंकि देखो ये साइड कितना है 5 सेंटीमीटर, ये साइड कितना है 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूब प्लस स्पेयर, ये शॉर्ट टर्म याद रखो, मैं जो लिखता रहता हूँ एच एस वाला आई मीन स्पेयर। चलिए इसमें कौन सी दो शेप्स हैं जो मैं अभी मार्किंग किया, दिस वन, रेक्टेंगल हेमिस्फीयर, नहीं गलत, ये जो मैं राउंड अप किया है, बताइए इसमें कौन सी दो शेप्स हैं, रेक्टेंगल तो होगा ही नहीं क्योंकि हम लोग 3D की बात करें, 2D की बात नहीं कर रहे, किसी एक में सही लिखा है, गुड। तो जिसमें भी इसमें देखो ये अगर इसको मैं यहाँ पर ब्रेक करता हूँ, इसको यहाँ पर मैं दो पॉइंट में से ब्रेक करता हूँ,
जो बीच का पार्ट है दैट इज अ सिलेंडर, दैट इज अ सिलेंडर। और यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड में भी क्या है, हेमिस्फीयर है। एक सेकेंड खोला गया। हेलो हेलो, यस हाँ, नमस्कार माता जी। मेरी माता जी से क्या, हेलो, मेरी वाइफ से क्या, हेलो, आप सुमन से बात कर रहे हैं या सोनम से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं आपको, मतलब आपको किससे बात करना है। हाँ, मैं उसको बोलता हूँ, मैं भी क्लास ले रहा हूँ, उसको बोलता हूँ, मैं भी क्लास ले रहा हूँ, उसको बोलता हूँ कॉल करने के। ठीक है, क्या चीज, मैं यहाँ ठीक ठाक है अभी, तो आपको मैं फोन करूँ क्लास के बाद। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं भी क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद आपको फोन करता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, आपको क्लास के बाद फोन करता हूँ। हाँ, सब ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक ठाक है। नहीं, तभी ठीक है अभी उसका, नहीं उन्हें उनके उनके फोन में गड़बड़ है। आप सोनम को कॉल कीजिए। हाँ, उसके फोन में दिक्कत है, और उसका क्लास भी चल रहा है, सारे पास उसका क्लास है ना। हाँ, दोनों की तबीयत ठीक है, तीनों का तबीयत ठीक है। नहीं, नहीं ठीक ठाक है। नहीं, मैं उसको बोलता हूँ कॉल करेंगे आपको। ठीक है, मैं ठीक है, ठीक ठाक है वो, तो कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात, हाँ नहीं ठीक ठाक है, मैं मिला, मैं ब्याप हुआ तो मेरा देख रहा, ठीक ठाक है, ठीक है ठीक है, नहीं ठीक ठाक है, मेरी बात होती रहती है उससे। हाँ हुआ ना मेरा बातचीत, अभी 1-1 घंटे पहले मेरा बातचीत। नहीं, घर से काम होता है। हाँ, घर से काम, नहीं, सब अभी सब ठीक ठाक, कोई दिक्कत। हाँ भाई, चलो, सॉरी कॉल आ गया था, मनीष पूरी मम्मी थोड़ी चिंतित थे, उनको थोड़ा फील बोल दिया। ठीक है, तो वो लेफ्ट साइड में भी हेमिस्फीयर है और राइट साइड में क्या है, हेमिस्फीयर। उसी तरह इसमें कौन सी दो शेप है, इसमें गुड, इसमें एक सिलेंडर है, दूसरा क्या है, कौन। चलिए नेक्स्ट, इसमें ध्यान से देखो, ये वाला शेप, बताइए कौन सा शेप है, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर। यस, एक सिलेंडर में से ऐसे दो हेमिस्फीयर कट कर दिए गए। जब ये ऐसे डॉटेड लाइन देखते हो ना, ये जो आपको ब्लूश लाइन दिख रहा है, इसका मतलब है उसमें से कट कर दिया गया। ओके, जैसे आप लोग आइसक्रीम खाते हो, तो आइसक्रीम में जो अंदर डिप्रेशन बन जाता है, हम जो एक मशीन से निकालता है आइसक्रीम, समथिंग वैसे ही। ओके, तो इसी तरह के कई क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर हमको बोलेंगे इस सॉलिड का आप सरफेस एरिया भी निकालो और आप इसका वॉल्यूम निकालो। इस तरह से हमको क्या करना है, हमको सिलेंडर का भी एरिया निकालना पड़ेगा, हमको कोन का भी निकालना पड़ेगा, और दोनों क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, कहीं कहीं हमको माइनस भी करना पड़ता है। जब इस केस में क्या किया है, एक सिलेंडर में से हमने क्या माइनस कर दिया है, हेमिस्फीयर माइनस कर दिया। उस केस में हम माइनस करेंगे और किसी केस में हम लोग प्लस भी करेंगे। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल आपका क्लियर, सबको आगे चलें, ऑल एग्री। 7:45 पे मेरे को याद दिला देना एक बार। ठीक है, चलिए, आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक शेप दी गई है, बताओ इसमें कौन सी दो शेप्स हैं, व्हाट आर द टू शेप्स इन एग्जाम्पल नंबर 1। आप लोगों ने बचपन में खेला होगा, दैट इज कॉल्ड एज लट्टू, टॉप भी इसको बोलते हैं, इसको हम लोग लट्टू बोलते हैं। यस, गुड जजमेंट, इसमें एक कोन भी है और आपका दूसरा हेमिस्फीयर भी। चलिए, अब देखो क्वेश्चन, अब इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जब एक क्वेश्चन हम करते हैं तो हमको क्या क्या याद रखना जरूरी है, इसको पेपर में लिखना सीखो। आपको जो डाटा दिया है, क्वेश्चन दिया है,
उसको प्रॉपरली लिखना सीखो। मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो पहले जो अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम ना दिया हो तो डायग्राम पक्का बनाओ, अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम ना हो तो डायग्राम पक्का बनाओ। सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन में ये मैटर करता है, बाकी किसी में नहीं मैटर करता, पर इस चैप्टर में डायग्राम के भी कई बार मार्क्स होते हैं। ठीक, अब मैं क्या करूंगा सेकंड, अब जो जो मुझे डाटा गिवन है वो मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। मुझे डाटा क्या क्या गिवन है, अब मैं ये क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ तो क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा, द कोन इज सरमाउंटेड बाय हेम स्पेयर। सरमाउंटेड को ही मीनिंग क्या हो गया, सर के ऊपर माउंट कर दिया, तो कोन के ऊपर एक हमने एक हेम स्पेयर रख दिया है। और वो कहता है एंटायर टॉप का हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे आपको इसी तरह क्वेश्चंस को करना है, हाइट ऑफ टॉप दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फिर आपको कह दिया है डायमीटर ऑफ द टॉप तो उसको भी लिखो। ये आपको मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस करना सिखा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस कैसे लिखना है। इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रेडियस यूज़ करते हैं, तो हम इसका रेडियस भी निकालें। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे द टॉप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन प्लस हेम स्क्वायर। अब टीचर को पता, भाई मुझे आता है कुछ ना कुछ, मुझे पता है इसमें कौन है हेम स्क्वायर दोनों है। अब उसने आपको क्या बोला, फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर, इस टॉप को उसको कलर करना है। तो कलर कहाँ होता है, बाहर होता है। ठीक है, ये आपकी शेप कैसी है, एक कोन है और दूसरा आपका क्या है, एक हेमिस्फीयर। तो जब कलर करते हैं, कलर करते हैं, पेंट करते हैं, तो हमेशा कहाँ पर होता है, वो सरफेस पे होता है। जब भी फिलिंग की बात आएगी, अगर मेरे को इसको पानी से भरना है तो पानी कहाँ भरेंगे, अंदर भरते हैं, और जब पेंट करें कहाँ करेंगे, बाहर करेंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमको एरिया निकालना। तो जब यहाँ पर दो शेप्स हैं, एक कोन है दूसरा क्या है, हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो अब जब मैं कोन को पेंट करूंगा तो मैं इसमें टीए से नहीं लूंगा, मैं इसमें क्या नहीं लूंगा, टीए से नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा, सीए से लूंगा। क्योंकि तो टीए से क्या होता है, टॉप एंड बॉटम। जब आप कर्व सरफेस एरिया में आप बॉटम और टॉप ऐड कर देते हो तो क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया। पर आप देखोगे अब ये कोन का जो बॉटम है और हेमिस्फीयर का जो बॉटम है वो आपस में दोनों में ज्वाइंट कर दिया गया, इसका मतलब इसके बाहर पेंट करना है और इसके बाहर पेंट करना है। इसका मतलब हमको क्या लेना है, सी ए से ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। कोई डाउट किसी नहीं, ये पहले आपको ये फॉर्मूला सबको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ से टीचर को एकदम पता, भाई आपको आता है कि आपको क्या करना है, सी एस एफ हेमिस्फेयर निकालना है और सी एस एफ कोण निकालना है। अब सी एस एफ कोण क्या होता है बताओ जल्दी फटाफट, व्हाट इज द सी एस एफ कोण, पाई आर एल प्लस सी एस एफ हेमिस्फीयर टू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने दोनों को आर लिया है, इसको भी मैंने आर लिया है, इसको मैंने क्या लिया है, आर लिया है, मैंने दोनों क्या लिया है, आर, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कट टू कट मैच करते हैं। कई बार क्या होगा, आपके सरफेस अलग अलग हो सकते हैं, आपको ऐसा भी हो सकता है कुछ। आप देखो दोनों के सरफेस कट टू कट मैच नहीं करते, पर जब कट टू कट मैच करते हैं तो दोनों के रेडियस क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। अगर अलग होगा तो उसको आर वन और आर टू लेंगे, और अगर सेम है तो उसको आर ले सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात कि आपको जब भी इसको सॉल्व करना है हमेशा कॉमन लेना सीखो, दोनों में कॉमन क्या आएगा, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस टू आर। सरफेस एरिया वॉल्यूम में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो आप जितना कॉमन लेके सॉल्व करोगे उतना आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब आपको यहाँ पता लग गया मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एक तो रेडियस चाहिए,
पाई का वैल्यू हमको सबको पता होता है। ओके, अब हमको एक चीज दूसरा, हमको आर चाहिए और हमको रेडियस चाहिए, आर ऑफ कौन या फिर 19। ठीक है, और हमको क्या चाहिए, हमको एल चाहिए। एल क्या होता है, स्लांट हाइट। एल मतलब स्लांट हाइट। अब हमको स्लांट हाइट गिवन है क्या, नहीं गिवन, हमको रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है। तो स्लांट हाइट किसका, कौन का, स्लांट हाइट ऑफ, स्लांट हाइट ऑफ कौन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और क्या चाहिए, आर वही है, सेम है। इसका मतलब मुझे आर चाहिए और एल चाहिए, और एल निकालने के लिए मुझे एच भी चाहिए। ठीक है, अभी देखो आपका ये शेप था। हम फर्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी करेंगे ताकि सबको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो। अभी उसने कहा था ये जो टोटल हाइट है कितना है, 5 सेंटीमीटर। टोटल कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसने आपको डायमीटर दिया था, डायमीटर इक्वल टू 3.5। तो आपका रेडियस कितना हो गया, रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू 3.5 डिवाइड बाई 2। कुछ क्वेश्चंस में डिवाइड ज़्यादा नहीं करना। अब इसको ऐसा नहीं कि 1.75 हम कुछ कर रहे हैं, सरफेस एरिया में जितना कम कैलकुलेशन करोगे उतना ईजी होगा। इसको हमने क्या रखा, 3.5 अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये रेडियस है, ये हमारा रेडियस कितना आ गया, 3.5 बाय 2। दिस इज 3.5 बाय 2। तो जो हेमिस्फेयर है उसका हाइट कितना हो गया, ये भी सेम रहेगा। हेमिस्फेयर का हाइट और रेडियस दोनों सेम होता है, तो ये भी कितना हो गया, 3.5 बाय 2। इसका मतलब ये जो पोर्शन बचा है दैट इज नोन एज एच ऑफ द कोन। तो हाइट ऑफ कोन इसके इक्वल हो गया, हाइट ऑफ टॉप, जो कंप्लीट टॉप है वो, माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे, 5h इक्वल टू 5 माइनस 3.5 बाय 2। 12 से ले लो, यहाँ पर कितना आ गया, 10 माइनस 3.5। हम सही कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं कुछ, 5 ठीक है, -3.5 बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, यहाँ से कितना बचेगा, 6.5 डिवाइड बाय 2। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई शक, गलती टाइप हो गया है, डायमीटर 3.5 है तो रेडियस कितना हो गया, 3.5 बाय 2। तो पूरा कितना है, 5, उसमें से क्या माइनस करेंगे, 3.5 बाय 2। इसमें क्या गड़बड़ गड़बड़ कूलर कूबे रहे हैं गड़बड़। सर, मैंने चैट बॉक्स में गलत लिख दिया, गलती से ओके ऑटोमेटिक से टाइप नहीं हुआ ठीक है, आंसर। तो अब क्या करेंगे, हम एल निकालेंगे। एल इक्वल टू अंडर रूट एच, एच कितना है हमारा, 6 अपॉन 5, 6.5 बाय 2 का स्क्वायर, प्लस आर हमारा कितना है, 3.5 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। अब तुमको हमें स्क्वायर रूट भी निकालना सिखाएंगे। तो एल स्क्वायर कितना हो गया, चलो 6.5 का स्क्वायर कितना हो गया, ये तो हमको करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन को करनी पड़ेगी। तो 6.5 × 6.5 कितना आ गया, 42.5, 42.25। नीचे कितना आएगा, 4, प्लस 3.5 × 3.5, 12.25 अपॉन 4 एल स्क्वायर। हमने इसका एलसीएम लिया तो 4 आ जाएगा नीचे,
कितना हो जाएगा, 52.25 इसमें ऐड कर देंगे तो 54.5 एल स्क्वायर इक्वल टू। अब इसमें देखो 4 में से 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 54.5। अब देखो ये डायरेक्ट नहीं है, अगर 36 होता तो 6 बाहर आ जाता, 25 होता तो 5 बाहर आ जाता, पर ये कितना है 54.5। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहिए। तो कभी भी आपको ऐसा वैल्यू हो जो आपको स्क्वायर रूट आउट हो, जो रेगुलर आपका स्क्वायर रूट नहीं है, तो उसको स्क्वायर रूट कैसे निकालना, आज आपको वो भी सिखाता हूँ। देखिए जब भी स्क्वायर रूट करते हैं, ये डेसिमल के बाद जो भी होते नंबर उनका डबल पेयर करते हैं, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 1 0 लगा दो, तो डेसिमल के बाद 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक पेयर ये बन गया। अगर और भी चाहिए तो हमेशा डबल 0 लगाते हैं, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो डबल 0 लगता है, नॉर्मल डिवाइड में 1 ही 0 लगता है। अब लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल के लेफ्ट में कितना है, 54 है, तो इसमें भी हम पेयरिंग करते हैं, कभी भी स्क्वायर रूट में सिंगल नहीं होता, हमेशा पेयरिंग की जाए। अब देखिए अब जो 54 है तो नियरेस्ट कौन सा नंबर है, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64। इसका मतलब 64 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, 7 से करेंगे, तो यहाँ पर भी आएगा 7 और यहाँ पर भी आएगा 7। ये स्क्वायर रूट सब लोग निकालना सीखो, ये आप लोगों ने बचपन में बहुत सीखा है पर भूल जाते हैं 10th में। तो यहाँ पर भी 7 आएगा और यहाँ पर भी 7 आएगा और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 49। अब 54 में से 49 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 5। ठीक है, अब यहाँ पर डेसिमल आ गया तो यहाँ पर भी क्या आएगा, डेसिमल आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप इम्पोर्टेंट है, अब ये 7 है वो यहाँ पर आके प्लस हो जाता है, यहाँ पर आके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर कितना हो गया, 14 हो गया। अब क्या करेंगे, डेसिमल के बाद ये जो अगले दो नेक्स्ट नंबर हैं वो क्या है, 50, वो 50 एक साथ यहाँ हो जाता है। आप लोग याद आ रहा होगा, आप लोगों ने 7th क्लास में किया था, हमने 50 नीचे उतार लिया, अब ये नंबर क्या बन गया, 550। अब हमको जो ये 14 है इसके यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर लगाना है, जो जैसे यहाँ पर 2 आया तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 2। ठीक है, अब देखो कितना आता है, 4 8 284, ये 550 से काफ़ी छोटा है, तो क्या करेंगे, अब हम 2 की जगह क्या लेंगे, 3 लेंगे। हम ऐसे एक एक ट्राई करते हैं, अब यहाँ पर हमने क्या किया, 3 ट्राई किया तो कितना आ गया, 9 12 429। मुझे लगता है थोड़ा कम है तो मैं एक एक और ट्राई कर लेता हूँ, 1 4, अब 4 ट्राई करता हूँ, अब कितना हो गया, 6 7 1 कैरी 576, बट ये बड़ा हो गया तो हम क्या करेंगे, ये 3 को लेंगे, तो यहाँ पर भी 3 आएगा और यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, 3 आएगा, तो ये कितना हो गया, 429। इसको आप आगे सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, पर सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपको डेसिमल के बाद आपने 1 पॉइंट तक निकाल लिया, आपके लिए उतना भी सफिशियंट है, आपके लिए उतना भी सफिशियंट है। तो हमारा स्क्वायर रूट लगभग कितना आ गया, 7.3 के आसपास, हमारा किसके आसपास आ गया, 7.3 के आसपास, ये हमारा स्क्वायर रूट है। इसमें किसी को डाउट, किसी को शक, यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा, 7.3 डिवाइड बाय, तो हम एक अप्रोक्स वैल्यू लेके चलेंगे, इसी नंबर सरफेस एरिया वॉल्यूम में अप्रोक्स लिखा जाता है, ऐसे एकदम एग्जैक्टली नंबर नहीं आता। ठीक है, तो हमारा एल, अच्छा यहाँ से ये स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर ये स्क्वायर है, हमने स्क्वायर रूट लगा दिया है इसलिए एल लगेगा, हमारा एल का वैल्यू कितना आ गया, 7.3 डिवाइड बाय। अब हम फॉर्मूले को यूज करेंगे, हमारा सी ए से क्या था,
एक ही क्वेश्चन देखो लंबा रहता है, तो हमारे पास पाई आर और एल प्लस 2 आर, ये हम सबको याद रखना। अब वैल्यू पूछते हैं, उसने कहा था पाई का वैल्यू क्या लेना है, 22/7, तो वही लेके चले। तो 22/7 आर आपका कितना है, 3.5/2 इंटू 7.3/2 प्लस 2 इंटू आर, 2 इंटू 3.5/2। अभी देखो कैलकुलेशन बड़ी है, एकदम सिंपल वे में तुमको करके दिखा। मेरे भी ये ब्रैकेट के बाहर वाला सोल्व करते, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 भी आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो ये कट गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा, इसको कट करेंगे 11 आ गया यहाँ पर, तो एक एक पार्ट छोड़ कर दो, 11/2 उनको बाहर से मिल गया। अब अंदर देखेंगे हम, 2 LCM ले लेते हैं, ये क्या बन गया 7.3, ये कितना बन गया 7। अब 11.2 इंटू ये कितना हो गया, 14.3/2। अब आपके लिए सिंपल है, और ये कैलकुलेशन आप लोग आराम से कर सकते हैं, क्लियर है। आगे आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट हमारी किसमें थी, सेंटीमीटर में थी, खत्म होने के बाद आप लास्ट में क्या लिखेंगे, ये हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई शक, सर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? ये मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम के, 3 या 4 मार्क्स में आते हैं। कोई डाउट, कोई शक किसी को, तो आपका एक ही क्वेश्चन लेंदी भी है, मैंने इसमें टाइम इसलिए लिया ताकि आपको समझाना है, आपको स्क्वायर रूट भी निकालना है, आपको फॉर्मूला लिख के दिखाना है। अब अगले क्वेश्चन हमने थोड़े फास्ट करें, इसमें किसी को डाउट है तो आप स्टिल पूछ सकते, यही मेथड है हर क्वेश्चन का, यही प्रोसीजर। कैलकुलेशन में गड़बड़ जहाँ भी तुमने की, 0 नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। अभी आप लोग सब एक बार फटाफट अटेंडेंस दे दो, मैक्सिमम लोग अभी हैं, अटेंडेंस एक बार फटाफट दे दो, फिर मैं वापस से ज्वाइन करने का आपको बोलता हूँ, क्योंकि तो टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है। अब जल्दी अटेंडेंस दो फटाफट, सब लोग, सबका अटेंडेंस होना चाहिए फटाफट। आप लोगों को लॉग आउट करने की जरूरत नहीं रहेगी, तो मैं जब वापस रिज्वाइन करूंगा मोस्टली आप अपने आप रिज्वाइन कर लेंगे।